मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि चंपत राय, जिसने कि चंदे से खरीदी हुई जमीन में भ्रष्टाचार किया है, उस पर नरेंद्र मोदी मौन क्यों है, उस पर सरकार मौन क्यों है? ये भ्रष्टाचार करने का अवसर किसने दिया? और चंपत राय वहाँ कौन होता है ये कहने वाला कि शंकराचार्य आए ना आए, उनका मंदिर नहीं है? किसका मंदिर है? यह आपके घर का मंदिर है, ये राष्ट्रीय मंदिर है, और राष्ट्रीय मंदिर में हर व्यक्ति को अधिकार है। और शंकराचार्य जी से इस प्रकार का जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उससे को माफ़ी मांगना चाहिए, उन्हें तत्काल वहाँ से पदमुक्त करना चाहिए। एक दूसरा, निर्मोही अखाड़ा वहाँ पूजा अर्चना करता रहा है, उसे क्यों हटा दिया गया, जो वर्षों से सदियों से करता आ रहा है? अब वहाँ विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक बैठेंगे पूजा करने के लिए? कितने पढ़े लिखे हैं उनके अंदर, विद्वान है क्या? क्या शास्त्रों का अनुरूप वो काम करते हैं? शास्त्रों का तो मखौल बढ़ाया गया है इन लोगों ने। इसलिए जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म का उपयोग या दुरुपयोग राजनीति में नहीं किया है, वो हमारे लिए राजनीतिक हथियार नहीं है, हमारे आस्था का प्रश्न है। इसलिए जो भी निर्णय लिया गया है वो सोच समझ के लिया गया है, और ये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे हिंदू मुसलमान या शंकराचार्य और रामानंद स्वामी के बीच, रामानंद संप्रदाय के बारे में इसमें बंटवारा ना करें, इसे मेरी आपसे प्रार्थना है इसको रोकिए। लेकिन सर, आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मुखर होके कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बात करते हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कांग्रेस को ही इस मामले में घेरते हैं, तो आपको लगता है कि इस अंदर पॉलिटिकली नुकसान आप लोगों को होगा? बात यह है, घबराती भाजपा घबराती किसी से है तो कांग्रेस से है। मोदी जी घबराते हैं तो खड़गे जी से घबराते हैं, सोनिया जी, राहुल जी से घबराते हैं, प्रियंका जी से घबराते हैं, कांग्रेस से घबराते हैं, और किसी नहीं घबराते वो लोग। आपको क्या लगता है सर, निजी तौर पे जो निमंत्रण की, जो आप जिस तरीके से बात करें, जिन लोगों को निमंत्रण दिए गए, चाहे वो कई कई हमारे शंकराचार्य हों, और जो ये निमंत्रण की लिस्ट बन रही है, आपको क्या लगता है कि और इन्हेंस तरीके से बननी चाहिए? क्योंकि आपने पहले खुद निमंत्रण छोड़ दीजिए, बात निमंत्रण की बात अलग कर दीजिए, हमें तो इस बात की आपत्ति है कि निर्माण पूरा हुआ नहीं। हमको तो खुद को मालूम नहीं था कि निर्माण पूरा नहीं हुआ है, बाद में पता पड़ा। जब निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा किस बात की हो रही है? ये शास्त्रों के विपरीत है, धर्म के विरुद्ध है, अधर्म काम कर रहे हैं वो लोग। सर, इस पर आपको क्या कहेंगे आप कि जो जिस तरीके से, तो आप कह रहे हैं कि भाई अधूरा काम हो रहा है, और जो स्टेटमेंट थी उसमें ये भी कहा गया था कि चुनावों को देखते हुए, आपको लगता है कि क्या इसमें चुनावों को देखते हुए पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बना के लाभ लेने का ये कुटिल प्रयास है? अरे, रामलला का अवतरण हुआ था रामनवमी पर करते, क्यों नहीं कर रहे थे? चुनाव से फायदा लेना है, इसलिए अप्रैल में बिना मुहूर्त के, बिना मंदिर के निर्माण पूरे हुए वे करने जा रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है, अधर्म है, धर्म के विपरीत है। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने तो निर्माण में चंदा भी दिया था, आपसे पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था बड़े पॉजिटिव हैं, और सोनिया गांधी भी बड़ी पॉजिटिव हैं, और कांग्रेस का एक दल जाएगा भी, तो क्या क्या आप लोगों को कब ये ऑब्जर्वेशन ये लगने लगी, इस तरीके की वाइब्स आने लगी कि ये चीज़ें जो हैं एक राजनीति की तरफ मुड़ती चली जाए? बात यह है कि पूरे तरीके से इसका भाजपाईकरण हो रहा है जी। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पूरे उसमें उनका पूरा कंट्रोल दे दिया गया है। हमें इस बात की आपत्ति है, विश्व हिंदू परिषद का लेना देना क्या है इसमें राम मंदिर के निर्माण में? इसमें तो जो आंदोलन किया था वो वहाँ के अयोध्या के कुछ लोगों ने और गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने किया था। आके कभी इसके बाद 22 तारीख के बाद, उसके बाद भी क्या जाएंगे आप? हाँ, हमको राम मंदिर में जाने में हमको ऐतराज हो, हमको खुशी।